तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल फिल्मी शोरा में। तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी मूवी के बारे में जहां पर एक मालकिन अपने नौकर के साथ करती है मज़े। तो हम बात कर रहे हैं लेडी चैटरलीज लवर मूवी के बारे में। ये मूवी 2015 में रिलीज़ हुई थी। तो ज़्यादा देर नहीं करते हैं, मूवी को एक्सप्लेन करते हैं। लेकिन उससे पहले, जो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मूवी की शुरुआत में हमें कुछ आदमी एक खदान में काम करते हुए दिखाए जाते हैं। तभी वहां पर एक धमाका होता है। ओलिवर नाम का बंदा उन लोगों को बचाने के लिए भागता है, लेकिन वहां पर एक आदमी धमाके से मर जाता है और उसकी डेड बॉडी को उसके घर पहुंचाया जाता है। फिर हमें एक पार्टी में कोनी नाम की लड़की को दिखाया जाता है, जो बहुत ही खूबसूरत महिला है, और उसकी मुलाकात क्लिफर्ड चैटरली नाम के एक नौजवान से होती है। कुछ देर बातों के बाद दोनों डांस करने लगते हैं, लेकिन कोनी के दोस्त डंकन को ये सब पसंद नहीं आता, क्योंकि वो भी कोनी को पसंद करता था और उससे प्यार करता था। लेकिन कोनी और चैटरली की मुलाकात प्यार में तब्दील हो जाती है, और उसके बाद वो दोनों शादी के पवित्र बंधन में बंध कर एक दूसरे को कभी धोखा न देने की कसम खाते हैं। शादी के बाद दोनों बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, लेकिन चैटरली को जंग में जाना पड़ता है क्योंकि वो एक सिपाही होता है। जंग में वो घायल हो जाता है, जिसके चलते उसे घर भेज दिया जाता है। कोनी को ये खबर मिलते ही कोनी बहुत ज़्यादा खुश होती है, क्योंकि चैटरली आ रहा होता है। लेकिन उसे ये नहीं पता होता है कि चैटरली को चोट लगी है। चैटरली जब आता है तो उसे देखकर कोनी के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि चोट के कारण उसके कमर के नीचे का शरीर पैरालाइज हो चुका होता है। कोनी को यह देखकर बहुत ज़्यादा दुख होता है, क्योंकि शादी के अभी कुछ ही दिन हुए थे और वो लोग पूरे मज़े भी नहीं ले पाए थे, और ये हो गया। चैटरली बहुत ज़्यादा परेशान होता है। वो अपने आप को मारने की कोशिश भी करता है, लेकिन कोनी उसे रोक लेती है। दूसरी तरफ हम ओलिवर को देखते हैं, जो अपनी मंगेतर को लेटर लिख रहा होता है। वो अब खदान में नहीं, जंग में होता है। ओलिवर जंग से वापस आकर अपनी मंगेतर से मिलने जाता है। तब वो देखता है कि वो किसी और के साथ गपागप कर रही थी। वो बिना मिले ही चला जाता है। फिर ओलिवर काम मांगने चैटरली के पास जाता है। तब चैटरली को जब पता चलता है कि ओलिवर उसके ही अंडर काम कर रहा था, तब वो उसे अपनाता है। चैटरली अपने लिए एक गाड़ी बनवाता है, जिससे वो घूम सके, और उसे चलाकर वो बहुत ज़्यादा खुश होता है। उसे लगता है कि उसके पैर वापस आ गए हैं। एक दिन चैटरली और कोनी जंगल जाते हैं, ओलिवर जहाँ रहता है। कोनी पहली बार वहाँ पर ओलिवर को देखती है और उसे कुछ करने का सोचती है। अगले दिन कोनी ओलिवर से मिलने जाती है, जहाँ ओलिवर उसे अवॉइड करता है और ठीक से बात नहीं करता। कोनी इस बात पर गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। अगले दिन ओलिवर कोनी को खत लिखता है, जिसमें वो अपने बर्ताव के लिए माफ़ी मांगता है। कोनी अगले दिन फिर से उससे मिलने जाती है। ओलिवर बिना शर्ट के काम कर रहा होता है। कोनी ये देखकर उस पर फिदा हो जाती है। तभी ओलिवर देख लेता है और शर्ट पहन लेता है। कोनी उसके पास जाने की कोशिश करती है, लेकिन वो उससे दूर भागता है। इस पर कोनी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, और वो गुस्सा होकर जाने लगती है और कहती है कि तुम उससे दूर क्यों भागते हो। और वो जब जा रही होती है, तभी अचानक बारिश होने लगती है। दोनों भीग जाते हैं और वो अंदर कॉटेज में आते हैं। कॉटेज में वो आग जलाते हैं और अपने आप को सुखा रहे होते हैं। तभी कोनी कहती है कि तुम मुझसे दूर क्यों भागते हो। तभी ओलिवर कहता है कि मैं तुमसे दूर नहीं भाग रहा, अगर चैटरली को यह सब पता चला तो मेरी नौकरी चली जाएगी। फिर कोनी चली जाती है, क्योंकि उसकी आग तो शांत नहीं हुई थी। कोनी चैटरली से बोलती है कि मुझे बहुत दुख है कि हमारा कोई बच्चा नहीं है। तभी चैटरली बोलता है कि मैं कोशिश कर रहा हूँ। चैटरली अपने आप को रोज़ करंट देता है, जिससे कि उसके कमर के नीचे का शरीर फिर से एक्टिव हो जाए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। कोनी उसे इतने ज़्यादा दर्द में नहीं देख पाती है। चैटरली भी रोने लगता है, क्योंकि अब कोई उम्मीद नहीं थी। फिर अगले दिन कोनी जंगल में जाती है और चूज़ों को देख कर रोने लगती है। वहाँ पर ओलिवर चूज़ों को देखकर कहती है कि मुझे इन्हें देखकर मेरे बच्चों की याद आती है, जो अब नहीं हो सकते। ओलिवर उसे गले लगा लेता है, और ओलिवर भी कोनी को पसंद करता था। वो उसे अंदर ले जाता है। फिर दोनों वहाँ पर गपागप करते हैं। दोनों पूरा दिन गपागप करते हैं, और फिर शाम को ओलिवर उसे छोड़ने जाता है। रात में मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। ओलिवर कोनी की याद में शराब पी रहा होता है, और इधर कोनी को भी नींद नहीं आ रही होती है। वो ओलिवर के घर में रोशनी देखती है और भागकर ओलिवर के पास जाती है। उसे जाते हुए एक मेड देख लेती है। वो ओलिवर के पास जाती है और अंदर कॉटेज में फिर वो रात भर गपागप करते हैं। अगले दिन पार्टी हो रही होती है, जहां पर कोनी अपने फ्रेंड डंकन के साथ डांस कर रही होती है। चैटरली ये देख रहा होता है, उसे बुरा लगता है, और अगले दिन चैटरली कोनी से कहता है कि तुम्हें बच्चा चाहिए, इसलिए तुम डंकन के साथ डांस कर रही थी। इस पर कोनी को गुस्सा आ जाता है, और वो गुस्सा हो जाती है।
चैटर्ली कहता है कि उसे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मेहनत किसकी है, बस नाम मेरा होना चाहिए। कोनी गुस्सा होकर ओलिवर के पास चली जाती है और फिर उसके साथ गपागप करती है। कुछ दिनों तक गपागप करने के बाद कोनी को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। वो चैटर्ली को बताती है। चैटर्ली मेहनत करने वाले का नाम पूछता है लेकिन कोनी नहीं बताती। एक दिन कोनी की मेड मिस बॉल्टन ओलिवर के कॉटेज में जाती हैं, जहां उसे पता चलता है कि बच्चा और किसी का नहीं ओलिवर का है। इधर चैटर्ली बच्चे के खुशी में पार्टी दे रहा होता है, तभी मेड उसे बताती है कि बच्चा किसी और का नहीं ओलिवर का है। चैटर्ली को सब कुछ पता चल जाता है। वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है और वो ओलिवर के पास जा रहा होता है। कोनी और ओलिवर एक दूसरे को बहुत ज़्यादा प्यार करने लगते हैं। कोनी को जब पता चलता है कि चैटर्ली को सब कुछ पता चल गया है, तब वो चैटर्ली से डिवोर्स मांगती है। चैटर्ली डिवोर्स देने से मना कर देता है और ओलिवर को बुलाने को कहता है। ओलिवर आता है। उन दोनों में बहुत ज़्यादा कहासुनी होती है। फिर ओलिवर और कोनी जाने लगते हैं। फिर चैटर्ली डिवोर्स देने के लिए तैयार हो जाता है और डिवोर्स लेने के बाद ओलिवर और कोनी चैटर्ली से बहुत ज़्यादा दूर चले जाते हैं और इसी के साथ मूवी ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, मूवी आपको कैसी लगी ये कमेंट करके बताइए, और जो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और ऐसे ही वीडियोस आते रहेंगे तो बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।